सच्चाई का उजाला यादव, यूपी आजमगढ़ के धरती से बाबा। आप लोगों के बीच में अभी जो हाल हाल में घटना हुई थी बिहार में, एक पत्नी ने अपने पति का लिंग काट दिया था, उस बिरहे को आप लोगों ने बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बिरहा को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि एक हकीकत घटना है ये बिरहा। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को मनोरंजन देना, ये बिरहा से आप लोगों को एक सीख मिलेगी, पुनः दूसरा व्यक्ति ऐसी घटना कभी जिंदगी में ना करे। जो इतनी भयानक घटना है, जो मेरे बताने में अंदर से रूह कांप जा रही है। मैं एक नारी हूँ, एक नारी की पीड़ा समझ सकती हूँ। कैसे मास्टर साहब, चार लाइन भूमिका में भाव बा। अरे क्या लिखे लिखने वाले जो किस्मत ही काला, अरे ताला लगा भाग्य भक्ति निवाला, क्रूर कुंठित कर्म कह रहा हम न दोषी, अरे दोषी खुदा खुद को बैठी शिवाला, अरे संगत की रंगत में जीवन बेढंगत, ज्वाला बिरह की जली मधुबाला, अरे जुर्म दहले दहल जा जो मानो है दोषी, कभी भैया लाल न्याय मांगे उजाला। ए भैया, आज के जमाना में इंसान लाख गलत बा, लाख गलती करे, लेकिन वो अपने आप के कभो न एहसास करेला कि हम गलत इंसान हई। अगर आप कहबा कि गलत हुआ तो उल्टे वो आपके दोषी ठहरा दे कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम स्वयं गलत हो। कैसे मास्टर साहब, एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल बा। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, पिलाई जाती है, भाव पर गौर करी मास्टर साहब, कहना है क्या? अरे सौभाग्य उसका जिसके माता पिता जिंदा है, नसीब फुट गई जिसके हुए परिंदा है, ए बाबू, दुनिया में सबसे बड़ा स्थान है धरती पर माई और बाप का होला। जेकर माई बाप जिंदा हुए, दुनिया का सारी दौलत ओकरे पास बा।
दुनिया में वो अभागा बा जेकरे माई बाप ना हुआ ये बाबू। कैसे मास्टर साहब, जरा आप लोग कहानी पर गौर करेंगे, कहानी कहाँ से कैसे लिहल गई? प्रांत यूपी के हमीरपुर की कहानी है। दुखित है दिल, देखो आंखों में आया पानी है। रामाश्रय रे समा किसान माज दूर रहे। नमक रोटी के जुगाड़ में मजबूर रहे। तीज का व्रत कर अब नारी ने बिचारी है। तीज का व्रत कर अब नारी ने बिचारी है। मन मायूस किया तन पे फटी साड़ी है। है बाबा, कहानी कहां से लिहल गई? हमारे उत्तर प्रदेश जिला हमीरपुर के रहे वाला रामाश्रय जेकरे पत्नी का नाम बतावल गल बाबू रेशमा। भगवान दुई गो औलाद देले हुन, बड़ा बेटा आलोक, छोट बिटिया आरती। समय बीतले बाबू, सामने तीज का त्योहार रहल। हमारे हिंदुस्तान में चाहे छठ का त्योहार हो, चाहे तीज का त्योहार हो, चाहे जितिया हो, चाहे करवा चौथ हो, नारी लोग बड़े खुशी से मनावेली। तो तीज के त्योहार बा, लेकिन ए बाबू गरीबी अवस्था बा, रामाश्रय बेचारू परेशान हो। एक दिन रेशमा कहली कि देखी जी, परसों तीज का त्योहार बा, घर में कुछ ना बा, एक काम करता चलता है, कागो साड़ी उड़ी ले लेई, कुल पूजा का सामान ले लेई, तो हमहू अपन व्रत बढ़िया से पूरा कर लेई। रामाश्रय बाबू कुछ रुपया लोगन से उधार लेके अपने पत्नी के लेके बाजारे चल गईलन। आ जब पत्नी के लेके बाजारे गईलन, तो साड़ी साया ब्लाउज पूजा का सामग्री, अपने दोनों लड़कन के नया कपड़ा, कुछ खाए पिए का सामान लेके रामाश्रय साइकिल पे बैठौले अपने पत्नी रेशमा के। अब बाजार से बाबू घर के तरफ चलत हुए, तो भयल का मास्टर साहब गीत बड़ी बढ़िया लगल है। तनी ताक दे तू गोरी, हम मर जहिती, हाँ हाँ मर जहिती, बिना गंगा में नहैले हम तार जहिती। बाबू साइकिल पर बैठौले हुआ रामाश्रय अपने पत्नी रेशमा के, चलत हुए भयल का। पति पत्नी चलना साइकिल पे सवार भैया, हाँ सवार भैया, तबले पीछा में से ठोकर मरले कार भैया। जीवन मौत के पीछे बाटी जिंदा गनिया। एडमिट हॉस्पिटल में भैले उस बार भैया, उस बार भैया, रोव गोदी में बैठी के दुलार भैया।
देखा समय कहो। राम आश्रय अपने पत्नी रेशमा के साइकिल पे पीछे बैठौले हवे, आइलन चौराहे पर रोड डाकल चाहत हुए बाबू। तबले पीछे से तेज रफ्तार में कार आई, साइकिल में धक्का मरलस, एक्सीडेंट हो गया। दोनों परानी बाबू जमीन पर गिर गईलन, गहरी चोट लग गई, शरीर खून से लथपथ सनाइल बा। लोग दौड़ के आइलन लेके तुरंत आनन फानन में बाबू हॉस्पिटल पहुंच गईलन। ए बाबू, जब लोग लेके हॉस्पिटल में गईले, डॉक्टर साहब देखले, इलाज शुरू तक कह दहले, लेकिन समय का देखा ये बाबू, कुछ समय बीतल, दवाई कोनो काम ना कैलस, शरीर में इतना काफी चोट लग गई लहल, सर में चोट लगला के कारण दोनों प्राणी का मौत वही हॉस्पिटल में हो जाती है। लोग लाश के लेके बाबू घरे आइल हुए, जब घरवा लसिया ले के दोनों प्राणी का आइलन बाबू, तो दुठे छोटे छोटे बच्चा हम हो भैया, आलोक 7 साल के, 3 साल का बिटिया आरती है। लसिया के देख के समझ में अवत ना बा, दोनों लड़का वही लसिया पे गिर के बाबू रोवत हुए। कैसे रोवत हो मास्टर साहब? अरे लसिया पे गिरी के रोए, अरे लसिया पे गिरी के रोए, बहिनिया बिरनावा हो, मम्मी पापा उठाओ उठा, मम्मी पापा बुलावे सुगनावा हो, अरे मुहावा न खोले बोले बंदा बनाया नावा, ओढ़ के चदरिया सुतले खावने पूछे भैने, अरे मामा से पूछे भैने, सुन बाजा हनावा हो, लसिया पे गिर के हो आलहर दोनों बचवा रोवत हो। 7 साल का बेटा है, लोग कितना ज्ञान हो सकता है, 3 साल का बिटिया आरती माई के मुहा से चदरिया हटाए के माई के मुहावा पर अपन मुहावा रख के रोवे लगली, मम्मी बोला ना, काहे बोलत ना हूँ मम्मी, एक बार बोला मम्मी, बेटा बोलत बा, बेटा रोवत बा, आलोक पापा पापा नाराज हुआ का पापा, हमान के कुछ ना चाहिए पापा, लेकिन एक बार बोल दा पापा, लेकिन ए बाबू जिंदा रहे वो माई बाप तब ना। और दोनों लड़िकन करवाई सुन के आस पास में जितने लोग खड़े थे
सबकर कलेजा फाट गल बाबू, सबके आंख से आंसू अवत बा, लेकिन देखे हो क्या सकता है। धीरे धीरे समय बीतल, लोग दोनों लाश के ले जाए के अंतिम संस्कार कर दलन। धीरे धीरे समय बीतल, काम क्रिया बीत गई। जब तेरे ही बीत गई तो समस्या बढ़त बा, लड़का 7 साल का, बिटिया 3 साल का, आखिर के बनाई के खियाई। माई बाप तो मर गई लन, तो आलोक के नाना नानी और मामा लेकर के बाबू अपने घर चले जाते हैं। जब अपने घरे चले गए, धीरे धीरे समय बीतल, दोनों लड़का सयान हो गई लन। और जब दोनों लड़का सयान भइलन, बढ़िया परवरिश भइल, बढ़िया पढ़ाई लिखाई पर नानी नाना मामा ध्यान दलन, लेकिन समस्या बढ़ल का, मामा का शादी हो गई। आ जब मामा का शादी भइल, मामी घर में अइली, ए बाबू कुछ दिन तो दोनों लड़कन के अपने लड़का जैसन मनली, लेकिन अब ना वो टाइम से खाना दें, ना वो दोनों लड़कन के बढ़िया से नहाए दें, दोनों लड़कन के दिन भर खाली खटावे देख के मतलब जलन करे लगली। मम्मीवा एक दिन बतियावत रहल पड़ोसी के महिला से कि देखबू बहिनी, ये दोनों लड़का महाकाल हुए, जन्मतो देरी ना भइल, बचपनवे में माई बाप के खाई गई ले, आई दोनों कलंकित हम जहाँ रही हैं कलंक लहले रही हैं। सर हम लोगन के तो दोनों बोझा भैल, अगर चल जाते नहीं तो कहीं मर जाते तो बढ़िया रह। बतिया बाबू बहिनिया सुन लहलस। शाम का भाई आयल कोचिंग करके आलोक से कहली कि भैया मामी बहुत जलन रखेली, देखा कबो कबो खाना दी है, कबो कबो डांटली, मारे पीटे का धमकी भी देली, आज बतियावत रली है। वो पकल वाली मामी से कहत रली है कि दोनों लड़का कलंकित हम जहाँ रही हैं तहाँ ही कलंक लहले रही है। हमान का का दोष बा भैया? भाई अपने बहन की अकवारी में पकड़ लला, कल आरती तू तो पगली टेंशन मत ले, अभी हम जिंदा हैं। कल छोड़ा ननिहाल का ममता, अब छोड़ा, अगर अब यहाँ रहल जाए तो ऐसे भी बुरा कुछ समय देखे के मिल जाए। चला घरे चल थैला। आलोक अपने बहिन आरती के ले के बाबू घरे आ गईलन। आ जब घरे आइलन तो आप लोग समझ सकला कि दू लड़का माई बाप हवे ना। आजकल पास पड़ोस चाची चाचा केहू का ना हना। बाबा सच्चाई बताओ थी कि चाची चाचा पर कितना भी भरोसा करा, लेकिन अपने लड़का जैसन प्यार दुलार ना मिल सकेला। आलोक प्लान कैले अपने बहिन के बीए में एडमिशन करौलन। ओकरे बाद प्लान का करत हुआ कि बहिनी हम जाई दिल्ली कमाए, लेकिन सुना एगो हमार बात बा। हाथ जोड़ के अपने बहिन के आलोक समझावत हुआ, का समझौले मास्टर साहब? साड़ी हम ना पहिना बुराजा रेलिया के ड्राइवर, ए बाबू भाई हाथ जोड़ के आलोक अपने बहिन से कहत हुआ समझावत हो, का कहलन? अरे पगड़ी राखली है बहिनी, अरे पगड़ी राखली है बहिनी, कुल कदावलतिया जतना खइबू ओतना खियाई, जतना पढ़बू ओतना पढ़ाई, भेज डोलिया सजा के वही कदावलतिया।
अपने बहिन से हाथ जोड़ के कहले बहिनी देखा कमाई ना तो खायल का जाई, हम जाते ला दिल्ली और तू अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। बहिनी तो से हाथ जोड़ के कई निवेदन करबे मान मर्यादा या इज्जत के बचाए के रखिया। दुनिया में इज्जत बहुत माने रखेला, जानत हूँ जेकर माई बाप जियत हुआ उकरे भी लड़की लड़कन पर लोग उंगली उठा दिला। हमहन ता अनाथ हिला, हमहन के ऊपर बहुत जल्दी उंगली उठ जाई। बस इहे तो से रिक्वेस्ट बा, अब हम जात हिला कुछ रुपया कमाई तब लौटब। भाई अपने बहिन के समझाई के बाबू चल गई दिल्ली कमाए। धीरे धीरे समय बीतल, कुछ रुपया पैसा कमाई के इकट्ठा कैलन। फिर आलोक दिल्ली से घरे अलन, आ जब दिल्ली से घरे अलन तो विचार बदल गया। आलोक कला बहिनी हम चाहत हिला कि सबसे पहले तुहार ब्याह कर दे। आलोक कला देखा बहिनी ई हमार फर्ज बनेला कि समय से हम तुहार शादी ब्याह कर दे। आ तुहार शादी हो जाई ना तो हमार बोझ थोड़ा हल्का हो जाई, कहीं भी रही ला तोरे टेंशन में एकदम परेशान रही ला। बहिनिया कलस का भैया का ही कहा तो तुके समझ में ना आवत बा। अरे भैया तू बड़ा हुआ हम छोट हिला, फर्ज पहले तुहरे शादी का बा। सुना सबसे पहले तू अपन शादी करा, जानत हो भैया माही ना बाटी जौने दिने हमार बिया होई भौजी आ जाई हैं अपने हाथे डोली में बैठा दी हैं हमके माई को ममता मिल जाई। आ सुना भैया अगर हमार बियाह कई देबा तो आजकल जनता हुआ लड़कीन के शादी होती अपने ससुराल चल जाती। अब जब हम अपने ससुराल चल जाब तो तुहार घर द्वार के देखी, आ जब तू कमाई के बा तो तुके बनाई के खियाई के। सबसे पहले फर्ज बा कि तू आपन बियाह करा। इतनी बात बाबू जब बहिन का सुनलन तो आलोक करत का हुआ मास्टर साहब गीत बदल गई हो। मछरी के काट के नथुनिया ये बालम, बहिन अपने भाई आलोक से कहत यही का कहली। अरे पहला काला अपन तू, जय है भौजैया ये भैया घरवा में आ, अरे जीत पे बहिनिया के झुकल बिरानवा, महलती जननवा अपने बहिन आरती के जिद कैला पर आलोक अपन शादी एक मालती नाम के लड़की से कैल हलन। रीत रिवाज से जब आलोक का शादी मालती से हो गई घर में खुशी आई गई। धीरे धीरे आलोक के शादी के 4-5 साल बीतल, आ यही में आरती का पढ़ाई लिखाई भी चलत बा। लेकिन आलोक के माइंड में आरती के शादी के बारे में चलत बा ई चिंता आलोक के रातों दिन सतावे कि बहिन के शादी करे के बा। घर पर आलोक खोजत हवे आरती का शादी तय हो गई।
ए भैया आरती का शादी कहाँ तय होत बा? हमीरपुर जिला में ही एक स्थान बा PWD कॉलोनी, जहाँ का रहे वाला सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश का बेटा इंजीनियर आशीष, जो कि पेशा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी तय हो गई आशीष का आरती से। डेट कौन पड़ल बा? 3 फरवरी 2024। शादी का दिन आए गले बाबू, बारात लेके आशीष चलल हम आरती के दरवाजे पर। वहां होत का बा मास्टर साहब, गीत बदल गई बा। घोघुर बाजे झाझर बाजे और बजे करतार हो, नौ सौ जोगी मंगल गावे नाचे मृतिया नार हो, आशीष बरात लेके आरती के दरवाजे पर पहुंचल हुआ तो भयल का। सज के बरतिया द्वारे यही हो खेल मंगल चार हो, लावा पर छोक भैया पंडित वेद उचार हो, मड़वा बीच मझार हो, खिचड़ी खैल आशीष दूल्हा दहेज मिलल उस बार हो, ए बाबू बारात गई दुआरे बड़े धूमधाम से परछन भयल, नाश्ता पानी भयल, सब भोजन कैलस। अब जयमाल भयल, जयमाल के बाद शादी होत बा, जहाँ पंडित सात जन्म के सातों कसमें खिलाते हैं। जे भाई का शादी भइल होई ओके पता होई, जेकर शादी ना भइल होई ओके भी पता होई। पंडित जी अपन मंत्र उच्चारण करत हुए सात फेरा सातों जन्म का बाबू कसम खिलावत हुए। शादी भी हो गई, आज जब शादी हो गई तो सुबेरे का विदाई होत बा। आज जब विदाई वाला माहौल बा, ए बाबू भयल का मास्टर साहब। अरे मोरे राम विदाई आज या भागिन कै होई, भाई बाप बनल माई बनली भौजाई, आज देखा वो भाई के बाप का फर्ज पूरा कैलन, भौजाई माई का फर्ज पूरा कैली। भौजाई अपने ननद आरती के गाड़ी में बैठाई के अपने हाथ से विदा कर दली। जब विदा कर दली आरती अपने ससुराल में गईली, और ससुराल में जब गईली है बाबू तो आप लोग देखा ला, जैसे ही दुल्हन द्वार डाकली तो टोला परोसा सब जुट जला देखे बदे। टोला परोसा का मेहरारू जुट गईली आरती के देखे बदे। ये तनी सुंदर आरती लोग आपस में बतियावत है, आशीष आरती का जोड़ी बड़ी बढ़िया बा, बड़ी सुंदर दुल्हन बा, ये टोला में ऐसा दुल्हन है केहू के ना बा। अरे जैसन दुल्हन मिलल उससे ज्यादा तो दहेज मिलल बा, बड़ी सामान मिलल। लेकिन सुने में वाला कि लड़किया के माई बाबू ना हो, तो आज के जमाना में भाई भौजाई ऐसा ब्याह कैला है, लोगन के बड़ा आश्चर्य होत बा। धीरे धीरे समय बीतल है बाबू, दिन तो बीत गल, आ गई रात। आ जब रात भले मास्टर साहब तब का होत बा गीत बदल गई बा। अरे आगे लागो सैया तोरे,
बहुत दर्द हो हमारी कलाई में, बहुत दर्द हो सुहाग रात बा, सुहाग कक्ष में आशीष जब गईलन अपने दुल्हिन का घुघुटा उठौलन तो कहत हुआ सोचत हुआ का सोचत हुआ मास्टर साहब अरे घुघुटा में चांद जैसे, अरे घुघुटा में चांद जैसे चकोर लागे दुल्ही रतिया अंधरिया में यजोर लागे दुल्ही अरे नशा में नशायल पाजी बुझे ना दर्दिया अरे हाथ गोड़ जोड़ तड़पे महावर में हाथ दिया अंधरिया में या जोर लागे दूल्ही ए बाबू जरा गौर करेंगे सुहाग वाली रात है आशीष गईले सुहाग कक्ष में दुल्हिन के देखने बड़ी सुंदर बा अंदर से खुश भइलन लेकिन वो दुल्हिन के का पता कि हमारी काली रात बा आशीष बहुत बड़ी गलती किया शायद लगता उसके ऊपर अपने आप पर भरोसा नहीं था एक दवा खा लेता है मीडिया के लोग बता रहे थे उस दवा का नाम शक्तिवर्धक लोग बताते उस दवा को खाने से मर्दाना ताकत बढ़ जाती है अब वो करता क्या आशीष वो दवा खा लिया साथ में दारू पी लिया फूल नशे में हो गया अपने ही औरत के साथ इतना घिनौना काम करता है मतलब उस बेचारी को रात भर परेशान किया अबला लाचार अभी नई नई दुल्हन है कुछ कह भी नहीं सकती है मन में अपने सोचती है शायद हर पति पत्नी के बीच में होता होगा रात बेचारी कैसे कैसे बितौलस अब आरती ही जान सकेली सुबह भई लेकिन अपने दिल का बात आरती बेचारी किसी से कहती नहीं है क्योंकि उसका पति था दिन बीत गया सुबह से फिर रात हो गई रात में भी वो पापी वही काम किया बाबू वही शक्तिवर्धक दवा खाया साथ में दारू पिया और क्या क्या खाया वो उसका ईमान जाने अपने पत्नी के रूम में जाता है बारे आशीष एक जानवर जैसा व्यवहार करता है रात भर अपनी पत्नी को परेशान किया मतलब हवस की आग बुझाया बीमार पड़ गई पत्नी आरती परेशान हो गई उल्टी होने लगी परेशानी उसकी बढ़ रही है लेकिन बारे आरती सोचती है मेरे पति है देवता है मेरे भगवान है ये बात किसी से कहती नहीं है बेचारी झेलती है तीसरा दिन हुआ दिन भर बेचारी कहर कूद के अपना दिन बिता लेती है फिर शाम का टाइम भइल उ पपियवा फिर उहे काम कैलस बाबू वही शक्तिवर्धक दवा खाता है और दारू पीता है मुर्गा खाता है अपनी पत्नी के साथ में बाबू ऐसा घिनौना काम करता है आप लोग समझ सकते हैं जो पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है उसको शर्मसार कर दिया वो पापी ए बाबू इतना ही नहीं वो पापी अपने पत्नी के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाता है बोलती है बेचारी रोती है गिड़गिड़ाती है नहीं मानता है कौन अपनी पत्नी को सुहाग रात में तमाचा खींच करके मारता है हाथ पैर बांध करके बाबू उसके साथ में घिनौना काम किया धीरे धीरे
एकदम बेचारी आरती की हालात बिगड़ गई। जब हालात बिगड़ गई तो कहीं लेकर जा नहीं रहा है, डायरेक्ट फोन कर रहा है आरती के भाई आलोक को, डांटने लगा आशीष, बोला अरे यार तुम्हारी बहन कैसी है, तुम्हारी बहन इतने बड़ा रोग लेकर के मेरे घर आई है, तुमको ये पता था कि तुम्हारी बहन रोग से ग्रसित है, तो क्या मही मिला था शादी करने के लिए, कहीं भी शादी कर सकते थे तुम, आइए तुम्हारी बहन जिस दिन से आई है उस दिन से बीमार घर में लेटी पड़ी है, आकर के ले जाओ, तुम्हारी बहन मेरे लायक नहीं है। आरती का बाबू भाई भौजाई कई रिश्ता में शादी रहल कानपुर में रहलन, ए बाबू दोनों परानी जब बात सुनलन की आरती का तबीयत खराब बा, अब शादी अच्छी लगी हो, दोनों परानी भागल भागल अइलन आरती के ससुरार, तुरंत देरी ना कइलन, लेकर के बाबू आरती को हॉस्पिटल में जाते हैं, तो होता है क्या मास्टर साहब, अरे दर्द से तड़प पाए, अरे दर्द से तड़प पाए गईया देखा निरदईया कुंवर कन्हैया हो, अम्मा जे धारे में डूबल चाहे नैया कुंवर कन्हैया हो, बिगड़ल हालतिया जिला अस्पताल हमीरपुर गई लाई हो, अपाई खबरिया मौके पर पहुँचे भाई और भौजाई हो, अरे ठीक हो जाई बुधिरज पधावे भैया कुंवर कन्हैया हो, आ काम न करे कौनो आज दबैया कुंवर कन्हैया हो, ए भैया भाई भौजाई घबराए गइलन कि बहिन बहिनी घरे सही से रहनी, आखिर आरती कितना जल्दी कहा हो गया, लेके बाबू हॉस्पिटल में जब आरती के गइलन डॉक्टर इलाज करत हुए बेचारी तड़पत पा हॉस्पिटल में, कौनो दवाई आराम ना करत बा, डॉक्टर साहिबा जब बहरे अली हाथ जोड़ के आरती का भाभी पूछे लगली मैडम क्या हालात है कैसी है कुछ तो बताइए, और नर्स के आंख में आंसू आ गया और बताती है क्या कहती है, हैरानी में डॉक्टर साहिबा बुझे देर से बतिया हो, सामूहिक बलात्कार जैसे लागे कई दिन और रतिया हो, अरे पति हैवान बनल वन कर कसैया कुंवर कन्हैया हो, अम्मा जे धारे में डूबल चाहे नैया कुंवर कन्हैया हो, डॉक्टर साहिबा के आंख में आंसू आ गया, बोली मैं क्या बताऊं मैडम हालात बहुत गंभीर है, उस बेचारी की शरीर एकदम जर्जर हो चुकी है, लगता है आप लोग बता रहे हैं कि अभी शादी हुई है, अपने ससुराल में थी लेकिन देखने से लग रहा है कि इस बेचारी इस लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ हो, ऐसा कुछ कांड हुआ है। डॉक्टर साहिबा बोली देखो हम लोगों से नहीं बता रही है आरती कुछ, उसका कई अंग डैमेज हो चुका है, एक काम करिए जाइए भाभी जी आप पूछिए, हो सकता है को आपको कुछ बता दे। जब ये तनी बात भौजाई सुनली कि अरे हम अपने बहिनी का ब्याह एकरा साथे कैली, हंसी खुशी से करे घरे विदा कैली, हमारे बिटिया रानी के साथे सामूहिक बलात्कार, होश उड़ गयल भौजाई का, होश उड़ गयल, तुरंत भौजी पहुंचली बाबू आरती के पास, जाई के चेहरा सुहरावे लगली, कहली बहिनी
का भयल, हम तोहर भौजाई अइला, तू बताव ना तोरे साथे का भयल। जवन कुछ भी भयल हो बहनी, हमार कसम तोके बतावे के पड़ी। जब भौजाई अपने ननद के कसम खेवली बाबू, आरती रोई के बाबू वही बेडवे पर से बतावत यही। पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा बाबू, आरती बतावत का ही। सृष्टि के दृष्टि में इने स्थान सबसे लायक भैया, कबो कबो इना साना बन शैतान, पढ़ लिख के लायक सेना लायक हो गई भैया, जानवर सभी हबू कैल हमारे साथ, अरे रिश्ता या टूट प्रेमा बंधन में बधाला भैया, जवाने में बांधल रहे मान सम्मान, अरे बहुत दर्द आया जा होला देख हमके भौजी, हाथ जोड़ के अपने भौजी से कहती है कि भाभी मेरे साथ में सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन बलात्कार जैसा ही हुआ है। भौजाई आश्चर्य हो गई, अरे बहनी बलात्कार मतलब का भइल तोरे साथ में? कली भौजी आप किसी से कहेंगी तो नहीं? आपको मेरी कसम किसी से कहना मत, मेरे पति देव एक जानवर जैसा बेहद मेरे साथ में किए, दवा खा करके दारू शराब के नशा में आकर के मेरे साथ 3 दिन तक ऐसा किए। मैं रोती रही बिलकती रही लेकिन नहीं माने, मुझे पहले ही रात में मुझे तमाचा खींच करके मारे, मना करने पर मेरे हाथ पैर को बांध देते थे और मेरे साथ जानवरों जैसा बेहद किए। लगता है मेरी जान नहीं बचेगी भाभी, मुझे माफ करना, मेरी दर्द बढ़ रही है, मुझे माफ करना भाभी माफ करना। इतना कहत देरी भइल ना ये बाबू, इतने कहत कहत में तब ले ये शरीर से आत्मा निकल गई, प्राण पखेरू उड़ गईलन। यही हाथ पे सर ले के अपने ननद आरती के बेचारी भौजाई रोवत बड़ी, आलोक गैल हुआ मैडम कुछ पर्चा लिखले ही दवा और इंजेक्शन का जो इस हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, कुछ दूरी बाहर पर जाने पर दूसरे मेडिकल हॉल पर मिलेगा। आलोक बेचारा दवा लेने के लिए गए हैं दूसरे मेडिकल हॉल पर, इधर देखिए ये शरीर से आत्मा निकल गई है, बेचारी मर चुकी है। आयल भाई आलोक देखले कि भौजाई रोवत बा, बहिन हमार कुछ बोलत ना बा, अचेत बा। भाई आइल है बाबू, ई लाश पर गिर के ई हॉस्पिटल में रोवे शुरू कैलन हो। रोवत कैसे हो भाई बाबू, पत्थर से कलेजा पिघल जाएगा, कैसे रोवत हो मास्टर साहब? अरे धोखा कैलू काहे नहीं बताऊलू बहिनी, छोड़ के दुनिया में अकेले हम के गईलू बहिनी,
बाप के उठी गायल साया असहलू लाख दुखावा बहिनी भैलू आज पराया। अरे हैवान के सबक कहे ना सिखाओ बहिनी छोड़ी के दुनिया में अकेले हम के गईलू बहिनी। बहिन के लाश पर गिर के रोवत हुए कल अरे बहिनी पगली माई बाप ननहोए मर गई लन इतना झेलल गल दोनों भाई बहिन मरे के राल कहना जन्मत है मर गई लो तू बहिनी लेकिन इतना प्यार दुलार दे के लाख दुख सही के आज अपने भाई के छोड़ के तू कहाँ चल गई लू। भाई गिरले बाबू वही लाश पे बेहोश हो गई लन भौजाई के भी होश ना बा। ई खबर बाबू पहुंच गई दरोगा साहब के पास। दरोगा साहब देरी ना कैलन तत्काल सबसे पहले आशीष के खोजे का काम कैलन। आशीष को दरोगा साहब पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पूछताछ करने लगते हैं। बताता नहीं है दरोगा साहब को हल्के में ले लेता है तमाम बहाना बना रहा है। दरोगा साहब ये शादी छुपा करके लोग किए थे। आरती पहले से बीमार थी मेरे घर आने से पहले ही बीमार थी। ये नहीं कि मेरे घर आ करके ही बीमार हुई। इसमें हमारे परिवार का कोई दोष नहीं है। मैंने फोन करके बताया था इन लोगों से कि आपकी बहन बीमार है आइए ले जाइए मेरे लायक नहीं है आपकी बहन। दरोगा साहब तब तीन चार तमाचा खींच के आशीष के मरलन। कलरे साला जब बीमार थी तो क्या जरूरत थी तुमको शादी करने के लिए। तो फिर चार छह हाथ लगल दरोगा साहब का तब भयल का मास्टर साहब पुलिस के हिरासत आशीष जुर्म कबूल कईले सात जन्म का नाता सात दिन नहीं निभावले। अरे मिलल सुकून जो जियत हत्कारी लगाऊ तू बहिनी छोड़ के दुनिया में अकेले हम के कैलू बहिनी। दरोगा साहब कहले कि साले सही सही बता दे अगर नहीं बताएगा तो ये समझ ले के देख रहा ना डंडा इस डंडे में इतना पावर है कि आखिरी में तू तो बता ही देगा। तो मैं सोच रहा हूं कि डंडा भी ना लगे और तू कबूल कर दे। कैसे क्या हुआ था कहले साहब हमार तनिको दोस्त ना बा हमारे कुछ दोस्त से जो हमको बहका दिए एक सलाह दे दिए कि एक दवा खा करके सुहाग रात मनाई जाती है। साहब मैं समझ नहीं पाया और शक्तिवर्धक गोली खा करके अपने पत्नी के साथ में सुहाग रात मनाया। मुझे पता नहीं था कैसे कब क्या हो गया। दरोगा साहब कलस साले जो सात जन्म का नाता होता है इतना बड़ा तू कमीना है कि सात दिन नहीं निभाया। अरे तुम्हारी ही बीबी थी जिंदगी भर तुम्हारे ही साथ रहती। गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू तीन तारीख के शादी रहल चार तारीख के बेचारी अपने ससुराल आरती गई लली। अब पांच छह सात मतलब तीन दिन ओ पापी हैवानियत किया उस बेचारी के साथ में। दो से तीन दिन बेचारी हॉस्पिटल में रही मतलब सात आठ दिन के अंदर में ही उस बेचारी की मौत हो गई। ए बिरहा गाने का मतलब आप लोग अन्यथा बुरा मत लीजिएगा क्योंकि किसी के परिवार की बात है। बिरहा इसलिए मैं गाई हूं कि प्लीज हमारे जितने नौजवान भाई लोग हैं
अपने पर भरोसा करिए, अपने पर विश्वास करिए, अपने खाना पानी पर ध्यान रखिए, अपने शरीर से मोहब्बत करिए, ना कि कोई दवा दारू शराब पी करके और किसी की बहन बेटी की आप जान को ले सकते हैं। और हाँ, सरकार से भी एक निवेदन मैं करती हूँ कि ऐसी दवाई पर रोक लगाया जाए। ऐसी दवा चलती रहेगी तमाम हमारी बहन बेटियां मरती रहेंगी। हाँ, कहा जाता है बाबू, इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए लेकिन उसके अंदर का शैतान हमेशा गंवार ही रहता है। मैं उन दोस्तों से भी हाथ जोड़ करके, सवाल तो नहीं लेकिन हाथ जोड़ करके यही कहूंगी बाबू, अगर किसी को आप लोग सलाह देते हैं ना तो सही सलाह दीजिए, वरना गलत सलाह देने का आपका बिल्कुल हक नहीं है। आपकी एक गलत सलाह से किसी की दुनिया उजड़ सकती है, जो कि सामने प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने आरती की दुनिया उजड़ गई। तो ऐसे करने वाले लोगों को, प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हाथ में हथकड़ी लगा करके आजीवन कारावास कर दीजिए। बिरहा कैसा लगल आप लोग सुन के जरूर कमेंट में बतावल जाई, और हाँ आप लोग एक दूसरे के शेयर भी कर जाई, ताकि जे बिरहा के सुनी उसे अपने अंदर सुधार ले आई। हमारे बिरहा के आखिरी लाइन मास्टर साहब, गुरु बिहारी गणेश चंद्रिका गम में प्यारे लाल, राम दरस यौधो दादा मुन्ना जी हुए बेहाल, अरे पिदाई आजला भागिन के हुई उजाला भैया लाल, इंसाफ के बेल बजाई विदाई।